मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में साइड लाइन किए जाने की खबरों के बीच गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुप्पी तोड़ी। एक खास बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, पार्टी में उनका सम्माननीय स्थान है, पूरे चुनाव कैंपेन में वे हमारे साथ डटे हुए हैं, हम सभी सीटें जीतकर कांग्रेस को परास्त करेंगे, कांग्रेस के पास ना नेता है और ना ही नेतृत्व, वह मुकाबले में कहीं नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी, ऐसा लगा कि ये लोग जनता से किए वादे पूरे करेंगे और उनकी सेवा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसे कर्म किए कि सवा साल में ही पाप का घड़ा भर गया और सरकार उनके ही करतूतों से गिर गई। इससे पहले शिवराज और सिंधिया की जोड़ी को शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम दिया गया था। कुछ दिन से सिंधिया की दूरी को लेकर मीडिया में खबरें आई, फिर बीजेपी के चुनावी रथ और स्टार प्रचारकों की सूची में उन्हें साइड लाइन किए जाने का मुद्दा छाया रहा। बता दें, मध्य प्रदेश में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिस वजह से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार गिर गई और एक बार फिर से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार यानी कि शिवराज की सरकार ने सत्ता में वापसी की है। ऐसे में जल्द ही उपचुनाव होने हैं, जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।